हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट नौकरी चैनल। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वापस एक बार फिर से लोको पायलट के रिज़ल्ट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, रिवाइज रिज़ल्ट कभी कल ही जारी किया गया और स्कोर कार्ड के साथ, लेकिन आज सुबह होते होते फाइनली रेलवे ने अब स्कोर कार्ड को अपने वेबसाइट से हटा लिया है। ये देख सकते हैं आपके सामने, मैंने स्टार्ट किया है मुंबई से, www.rrbmumbai.gov.in, ये उसकी ऑफिशियली वेबसाइट है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, हम अब इसकी ऑफिशियली वेबसाइट पर आ चुके हैं। अब मैं आपको लाइव दिखाता हूं कि देखिए किस प्रकार से कल रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने रिज़ल्ट डाला और आज सुबह होते होते उन्होंने वहां से हटा लिया। तो ये देख सकते हैं CN01/2018 पोस्ट है ये। क्लिक हियर टू व्यू लिस्ट ऑफ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट ये। और सेकेंड है यहाँ पे क्लिक हियर टू व्यू योर नॉर्मलाइज कट ऑफ मार्क्स। और यहाँ पर नीचे दिया हुआ है आपके क्लिक हियर फॉर स्कोर कार्ड। जी हाँ दोस्तों, स्कोर कार्ड कल तक था यहाँ पे कि आपको कितने मार्क्स मिले हैं, कितने नॉर्मलाइजेशन हैं, आप अपना चेक कर सकते थे कल तक के डेट्स में। बट आज सुबह होते होते वहाँ से हटा ले गया, क्योंकि कल दोस्तों मैंने काफ़ी स्टूडेंट ने मैसेज किया कि सर हमारे नॉर्मलाइजेशन मार्क्स में तो कुछ इजाफा हुआ ही नहीं, जितने हमारे प्रो रेटेड मार्क्स थे उतने ही हमारे नॉर्मलाइजेशन के बाद भी मार्क्स हैं, यानी कि 0.1 का भी उन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। तो किस प्रकार से रेलवे जो रिक्रूटमेंट बोर्ड है वो अपना रिज़ल्ट बनाता है और किस प्रकार इतनी सारी गलतियां हो रही हैं, क्या वजह है जिसके वजह से लोको पायलट असिस्टेंट का रिज़ल्ट बार बार कैंसिल करना पड़ रहा है रेलवे को और इतनी देरी हो रही है। 2018 की वैकेंसी है और आज 2019 हो चुका है, लगभग एक साल से ज़्यादा का समय बीत चुका है, अभी तक इसके टोटल एग्ज़ाम तक कंप्लीट नहीं हुए हैं। अभी तक सिर्फ 3 स्टेज के एग्ज़ाम हुए हैं और अभी भी साइको का एग्ज़ाम पेंडिंग में है। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं रेलवे किस प्रकार से लापरवाही बरत रहा है कि अपने रिज़ल्ट को लेके, और इतने समय ले लेता है कि स्टूडेंट्स काफ़ी परेशान हो जाते हैं। कुछ स्टूडेंट्स तो इतने बोलते हैं कि परेशान है कि वो अपना जो एग्ज़ाम से है वो क्विट कर ले रहे हैं कि हाँ अब हमें एग्ज़ाम ही नहीं देना है, इसका आगे का प्रोसेस जो भी हो। तो इस प्रकार दोस्तों, रेलवे की परेशानियों की वजह से स्टूडेंट्स को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले स्कोर कार्ड को देखने के लिए कि क्या स्कोर कार्ड है। तो देखिए ये है कैंडिडेट लॉगिन का। तो चलिए हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालते हैं। तो मेरे पास एक रजिस्ट्रेशन नंबर है दोस्तों स्टूडेंट्स का, तो हम देख लेते हैं कि क्या फाइनली इसका जो है हटा दिया गया या नहीं। क्योंकि कल तक इसका डेट था दोस्तों और आज इसका डेट नहीं है, जिसकी वजह से हमें ये वीडियो को बनाना पड़ रहा है। ये देखिए दोस्तों, आपके सामने खुल चुका है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का स्कोर कार्ड का प्रोसेस। आप सब देख सकते हैं CN01/2018 सेकेंड स्टेज ALP एंड टेक्नीशियन का ये जो स्कोर कार्ड है वो आपके सामने है। प्रिंट लॉगआउट देखिए यहाँ पे कॉर्नर पे ऑप्शन दिया हुआ है भारत सरकार का, आप देख लीजिए आपके सामने ही है, ऐसा कुछ नहीं है जो छुपाया गया है या एडिट किया गया है। देख लीजिए यहाँ पे मास्टर QP है, यानी मास्टर क्वेश्चन पेपर है, और यहाँ पे कैंडिडेट रिस्पॉन्स है। आपका स्कोर कार्ड कहीं है ही नहीं, आप इस पर क्लिक कर दीजिए चाहे उस पर क्लिक करिए, देख लीजिए मैं आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ। ये कैंडिडेट का है, आप यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं अपना जो क्वेश्चन पेपर है वो, और ये उनका मास्टर क्वेश्चन पेपर है, इसमें आप यहां से उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं क्लिक करके। तो दोस्तों, आपको ये कहाँ है कि आपका स्कोर कार्ड कहाँ है, इसमें से आपका स्कोर कार्ड हटा लिया गया है, कल देर रात तक शायद इन्होंने हटा लिया है। तो फाइनली दोस्तों, एक बार फिर से रिज़ल्ट पेंडिंग में हो चुका है, अभी तक फाइनली रिज़ल्ट को अपडेट नहीं किया गया है। अब देखना है कब तक ये रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ऑफिशियल वेबसाइट पर अपना फाइनल स्कोर कार्ड अपडेट करते हैं। तब तक के लिए दोस्तों, बने रहिए हमारे चैनल के साथ स्मार्ट नौकरी चैनल। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सरकारी नौकरी से संबंधित कोई भी जानकारी आपको स्मार्ट नौकरी चैनल पे मिल जाएगी। थैंक यू दोस्तों।